Welcome to my channel, friends. I'm Mukesh. Today I'm going to teach you present perfect tense. So without wasting any time, let's get started now. आइए आज हम लोग सीखते हैं present perfect tense. और present perfect tense आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और इसका यूज करने के बाद सॉरी इसको जब मैं पढ़ाऊंगा उसके वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगा. ठीक है, आप यहीं पर present perfect tense को पूरी तरह से समझ लेंगे. ठीक है, तो present perfect tense अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसको आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में, अगर हिंदी की पहले पहचान की बात कर रहे थे फ्रेंड, जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं, किया है, की है, किए हैं, या है, ई है, ए है, अगर ये सारे सेंटेंस किसी भी ये सारे वर्ड्स, ठीक है, किसी भी सेंटेंस के अंत में वर्ब के साथ अगर आ जाए तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके फ्रेंड्स, ये तो हुआ हिंदी की. अगर इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में पहचानने का भी आसान तरीका है, क्या लगा रहेगा, हैज एंड हैव लगा रहेगा, उसके साथ वर्ब 3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. वो 5 तरह के होते हैं, मैं सभी वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी फॉर्म एंड एस एंड ई एस फॉर्म. ओके फ्रेंड, तो ये हो गया आपको हिंदी पहचान, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, लिया है, लिए हैं, हाँ, किया है, किए हैं, और भी ये हो गया पहचान हिंदी की. अगर इंग्लिश की पहचान की बात करें तो फ्रेंड पहले सब्जेक्ट होगा, फिर सेकंड में हैज हैव राइट करेंगे, हैज किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है, बाद में मैं आप लोगों को बताता हूँ. उसके बाद थर्ड नंबर में राइट करेंगे फ्रेंड्स B3 यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म, और ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स, इसी में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. तो उसके बाद लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्या राइट करेंगे, ऑब्जेक्ट राइट करेंगे. ठीक है, तो आइए जान लेते हैं किसके साथ हैव लगाना है और किसके साथ हैज लगाना है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं आई हैव रिटन हेयर, हैज इज यूज विद ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन. हैज का जो यूज किया जाता है ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगाएंगे, बिकॉज जब सिंगुलर वर्ब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वो भी सिंगुलर ही आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो वो भी प्लूरल होगा, वो सब्जेक्ट भाव एग्रीमेंट एक चैप्टर है ग्रामर, उसके अकॉर्डिंग टू. ओके, हैव इज यूज्ड विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स. हैव का यूज किया जाता है प्लूरल नाउन के साथ, नाउन में नेम भी आ गया फ्रेंड, जैसे क्या एक, अगर एक नाम हो राम उसके साथ लगेगा हैज, अगर एक से ज्यादा नाम हो जाए वो हो जाएगा प्लूरल. ओके फ्रेंड, तो आइए अब इस ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करते हैं. मैंने पढ़ लिया है, लास्ट में क्या है, पढ़ना एक वर्ब है, उसके साथ लास्ट में लिया है, यहाँ पर आ गया पहचान लिया है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जब भी कोई काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और उसका प्रभाव प्रेजेंट में हो, ठीक है, तो उस सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यानी माना जाता है. ठीक है, कहते हैं, तो मैंने यहाँ पर राइट करेंगे आई, सब्जेक्ट हो गया आई, उसके साथ आई के साथ क्या लगाएंगे, आई के साथ लगाएंगे हैव, आई हैव रिटन हियर, तो यहाँ पर लगाएंगे हैव, आई हैव, उसके बाद B3 भाव क्या है, पढ़ना, पढ़ना को बोलते हैं रीड, रीड का रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स, ये होता है स्पेलिंग सेम होता है बट उसका जो प्रोनंसिएशन होता है वो डिफरेंट होता है. क्या होता है फ्रेंड, रीड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रीड, रेड, रेड, इसको पढ़ेंगे फ्रेंड रेड, जो पेंसिल वाला रेड होता है. ओके, ये हो गया, तो यहाँ राइट कर देते हैं रेड, आई हैव रेड, इसको नहीं पढ़ेंगे आई हैव रीड, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसको पढ़ना आई हैव रेड, मैंने पढ़ लिया है. अब नेक्स्ट ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करते हैं, वह जा चुकी है, तो वह यहाँ चुकी है, तो यहाँ पर लड़की है, तो यहाँ पर राइट करेंगे सी, सी के साथ लगता है क्योंकि सी है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, क्या है, हैज, सी हैज, उसके बाद क्या लगेंगे B3 वर्ब क्या है, जाना, जाना को बोलते हैं गो, गो सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, फोर्थ में गोइंग गोज, गो वेंट गॉन गोइंग गोज, यहां पर मैं राइट कर देता हूं गो, सेकंड फॉर्म हो गया वेंट, थर्ड फॉर्म हो गया गॉन, गो वेंट गॉन, तो हम लोगों को यहाँ पर राइट करना है थर्ड फॉर्म. इसके लिए आपको वर्ब का चार्ट याद करना होगा फ्रेंड्स, V1 V2 V3 V4 V5 तक, उसके बाद इंग्लिश आप लोगों को समझ में आने लगेगी और आप लोग बोल भी पाएंगे. नेक्स्ट ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करते हैं, दैट्स इट, हम लोग ने खा
खाना खा लिया है, हम लोगों ने खाना खा लिया, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हम लोगों, तो वी हो गया। उसके बाद वी के साथ क्या लगाएंगे फ्रेंड? वी के साथ लगाएंगे हैव, क्योंकि वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, हैव लगाए। उसके बाद खा लिया है, लास्ट में क्या लिया है? यहाँ पर चुकी है, चुकी है, ये पहचान हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो खाना खाने को बोल खाना को बोलते हैं ईट, ईट होता है सेकंड फॉर्म होता है एट, थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, और फोर ईटिंग ईट्स, ईट एट ईटेन ईटिंग ईट्स। तो यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे ईटेन। तो क्या खाए हैं? खाना, ये खाना क्या है? ये एक नाउन है, तो इसका लिखेंगे फूड, वी हैव ईटेन फूड, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रांसलेशन, हम तुमने यह नहीं किया है, तुमने यह नहीं किया, ये तो नेगेटिव का है सेंटेंस। मैं आप लोगों को नेगेटिव इंट्रोगेटिव इसी में बता देता हूँ फ्रेंड, आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो नेगेटिव में क्या करना है, जस्ट क्या करना है, ये जो हैज हैव हैज हैव के बाद नोट लगा देंगे, क्या लगा देंगे फ्रेंड? तो ये बन जाएगा नेगेटिव, क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो आइए इसको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। सब्जेक्ट क्या है? तुमने, तुमने को बोलते हैं यू, यू राइट कर दिया। अब यू के साथ क्या लगेगा? हैव लगाएंगे या हैज लगाएंगे? यू के साथ हैव लगता है क्योंकि यहाँ प्लूरल है, तो लगा देंगे यहाँ पर हैव लगा दिए। अब थर्ड नंबर में नोट, हमेशा थर्ड नंबर में राइट करेंगे, तो यहाँ पर राइट करेंगे नोट, तो राइट कर दिए नोट। उसके बाद B3 लिखना है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखना है, तो वर्ब क्या है? करना, करना, करना को बोलते हैं फ्रेंड्स डू, सेकंड फॉर्म होता है डिड, थर्ड होता है डन, डू डिड डन डूइंग डज, ओके फ्रेंड। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डन, डन दिस, तो ये हो गया यू हैव नॉट डन दिस या यू हैव नॉट डन इट, इट भी लगा सकते हो फ्रेंड्स। व्हाट वहां पहुंचे हो, क्या तुम वहां पहुंचे हो, चे हो, ये सेंटेंस क्या है? एक्शन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस हो गया, देखो सेंटेंस शुरू हुआ क्या से, जब सेंटेंस क्या से शुरू हो, हिंदी का कोई भी सा सेंटेंस हो, यदि वो क्या से शुरू हो रहा है फ्रेंड, तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही हो, तो हो जाएगा आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे? हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज एम, इज एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हाँ, हैड, डू, डज, डिड, दीज ऑल आर हेल्पिंग वर्ब्स, ओके। और मॉडल वर्ब भी स्टार्ट होते हैं, शैल, विल, कुड, के, मे, माइट, ये सब भी है, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। आज आ जाइए इसको ट्रांसलेट, इसमें करेंगे क्या फ्रेंड, सिर्फ हैज हैव को आगे कर देंगे, बाकी सेंटेंस को उसी तरह से बना देंगे। अब ये देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू, यू के साथ लगता है, हैव, पहले राइट करेंगे हैव, उसके बाद राइट करेंगे यू, उसके बाद क्या लगे? V3, पहुंचने को बोलते हैं फ्रेंड रीच, क्या बोलते हैं? रीच मीन पहुंचना। अब इसमें DED लगाते हैं, रीच, रीच्ड, रीच्ड, रीचिंग, रीचेज, ओके फ्रेंड। देखिए यहाँ CH है, इसीलिए V5 में ES लगेगा, तो हो जाएगा रीच्ड, क्या हो जाएगा फ्रेंड? रीच्ड हो जाएगा, ठीक है। अब वहाँ, वहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? वहाँ, वहाँ को बोलते हैं देयर, तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, हैव यू रीच्ड देयर। सो फ्रेंड देखा कितना आसान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप इसी तरह से घर में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जितना ज़्यादा सेंटेंस बनाइए बनाएंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों को क्लैरिटी इसमें मिलते जाएगी, ठीक है। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।